लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है। जहां विपक्ष मजबूत हुआ है, वहीं सत्ता पक्ष को करारा झटका लगा है। जीत से उत्साहित विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले दिनों यूपी बीजेपी में जारी घमासान पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इनके आपसी विवाद में यूपी की जनता पिस रही है। हालांकि दिल्ली मीटिंग के बाद यह मामला शांत हो चुका था, लेकिन सदन में सीएम योगी द्वारा दिए गए एक बयान से फिर से पारा हाई हो गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जब कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, तो मुख्यमंत्री योगी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मठ में मिल जाती। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं। इसके बाद भला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने भी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कस दिया। उन्होंने सरकार से पूछा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? सामने वालों से बात कर रहे हैं और पीछे वालों को सुना रहे हैं।